भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी बहुला गणेश चतुर्थी के रूप में जाना जाता है। भगवान श्री गणेश की कृपा पाने, बुद्धि विवेक, कार्य में शुभता, लाभ, व्यापार में वृद्धि, सुख शांति, रिद्धि सिद्धि, घर परिवार तथा जीवन में मांगलिक कार्य के लिए भगवान श्री गणेश का यह व्रत किया जाता है। बहुला संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत मानसिक कष्ट तथा कुंडली में चंद्रमा की क्षीणता, अस्त तथा शत्रुभावगत चंद्र की शांति के लिए भी किया जाता है। आज की इस वीडियो में भाद्रपद कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली बहुला संकष्टी गणेश चतुर्थी इस वर्ष 2022 में कब पड़ रही है, इसका यह व्रत कैसे किया जाता है, क्या विधान है तथा इसकी पवित्र कथा के बारे में हम जानेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक तथा कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें, इससे मानसिक शांति का अनुभव होगा। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी को संकष्टी बहुला गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी तथा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इस वर्ष 2022 में बहुला गणेश चतुर्थी का व्रत किस दिन होगा, चंद्रोदय का सही समय क्या रहेगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष 15 अगस्त 2022 दिन सोमवार को संकष्टी बहुला गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। चंद्रोदय रात्रि में 9:04 के बाद होगा। माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए, बल बुद्धि विवेक के लिए इस व्रत को करती हैं। मिट्टी से निर्मित गणेश जी की इस दिन पूजा का विधान है। भगवान भालचंद्र श्री गणेश की 16 पूजा करनी चाहिए। गजाननम भूत गणादि सेवितं कपित्थ जम्बु फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस मंत्र से प्रार्थना करके ऋतुफल का भोग लगाना चाहिए। पूजन के बाद भगवान श्री गणेश को इस मंत्र से अर्घ प्रदान करना चाहिए। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक के रक्षक भक्तानाम अभयंकर्ता त्राता भव भवार्णवात् द्वैमातुर कृपा सिंधो शाणमातुर गज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वांछितं वांछितार्थद अनेन सफलार्घेण सफलोस्तु सदा मम सिद्धबुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः विशेषार्घम समर्पयामि। इस तरह से भगवान भालचंद्र श्री गणेश को अर्घ प्रदान करना चाहिए। अर्घ पात्र में जल, लाल चंदन, लाल पुष्प, अक्षत, सुपाड़ी तथा कुछ द्रव्य रख करके अर्घ बनाना चाहिए। इस दिन गौ पूजा का भी विधान बतलाया गया है। जिनके कोई संतान नहीं है वह भी इस व्रत को संतान प्राप्त की इच्छा से कर सकती हैं। बहुला चौथ के दिन सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर आपके घर में गाय है तो गाय के रहने के स्थान को भी साफ सुथरा कर लें। उसके बछड़े को गाय के पास खुला छोड़ देना चाहिए। सबत्सा गौ की पूजा, गोदान आदि का इस दिन उत्तम महत्व बतलाया गया है। इस दिन गाय के दूध का त्याग करना चाहिए तथा गाय के दूध से बनी वस्तुओं का भी त्याग करना चाहिए। गाय, गणेश तथा चंद्र पूजन, चंद्र अर्घदान का इस दिन बहुत ही महत्व है। चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रमा की विधिवत पूजा करके दुग्ध से अर्घ प्रदान करना चाहिए। तदुपरांत चंद्रमा की प्रार्थना करनी चाहिए। दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुट भूषणम भगवते सोमाय नमः। आइए बहुला गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। जब भगवान विष्णु का श्री कृष्ण के रूप में अवतार हुआ तब उनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर इस धरा धाम पर अवतार लिया था। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी श्री कृष्ण की सेवा का विचार आया और उसने अपने अंश से बहुला नाम की गाय का रूप धारण करके नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का
बहुला गाय से अत्यंत स्नेह था, बड़ा प्रेम था। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चर रही थी तब भगवान सिंह रूप में प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी, अपने बछड़े को दूध पिलाने मुझे जाना है, दूध पिलाकर मैं अवश्य वापस आ जाऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला गाय अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्य निष्ठा देखकर श्री कृष्ण भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि हे बहुले, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई हो, अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख प्राप्त होगा। बोलिए गौ माता की जय। भगवान गणेश, गौ माता तथा चंद्रदेव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। जरूरतमंदों को शेयर करना मत भूलिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।